कुछ नहीं होने वाला है। इस देश को कोई सुधार सकता है तो जनता ही सुधार सकती है, चाहे नेता हो, चाहे सरकार के सिस्टम में बैठा हुआ क्लर्क हो, अधिकारी हो। अगर जनता ठान ले, जनता जागरूक हो जाए ना, तो इनको दो मिनट में नकेल पहनाया जा सकता है। और बिना नकेल पहनाए तो बैल भी साहब खेत में नहीं जोतता है, हल नहीं जोतता है। बैल को अगर काम करवाना है, हल उसके कंधे पे लादना है, यानी भार जिम्मेदारियों का देना है, तो पहले बैल को नकेल पहनाया जाता है। तो जनता पहले इन लोगों को नकेल पहनाए, तब ये जाके प्रोडक्टिव बनेंगे और काम करेंगे, नहीं तो वो बैल छुट्टा सांड हो जाता है। देखिए, यही सवाल शायद आपने पूछा था या इसके पहले पूछा था कि ये द्रविड़ साहब बोल रहे थे मुझे जनता की सेवा करनी है। तो मैंने बोला था ये जनता की सेवा अपने मुंह से केवल चुनाव के टाइम पे करते हैं नेता लोग, इसके बाद ये जनता से सेवा करवाते हैं। देश से सेवा 5 साल तक लगातार करवाते हैं, क्योंकि गाड़ी घोड़ा बंगला नौकर चाकर सब कुछ ले गए, फील्ड में कभी जाते नहीं है, कभी पूछने जाते नहीं है। जो चुनाव का बहिष्कार किया है एक मामले में, इथिकली तो मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन एक मामले में मैं सपोर्ट करता हूं। और इस चीज को मैं ऐसे देखता हूं ना कि चुनाव के ठीक बाद अगर 2 साल के बाद मंत्री जी आते हैं तो आप उनको घुसने मत दो। मतलब देखिए, इन नेताओं से ये नेता कैसे काम करेंगे मैं आपको बता दूं। जैसे नकेल पहना करके बैल को खेत में जोता जाता है ना, अगर बैल को आप नकेल ना पहनाइए तो वो काम नहीं करेगा, वो हल नहीं चलाएगा। तो जनता को ये चाहिए कि अपने नेताओं को नकेल पहनाइए, तभी ये काम करेंगे। और जब जब आपको नकेल पहनाने का मौका मिले, चुनाव में मिले, चुनाव के बाद मिले, जब आए, आप लोग उदासीन मत होइए। आपके पास हक है अपने नेता से, चुने हुए प्रतिनिधि से हर दिन सवाल पूछने का, उसको रिमाइंड कराने का। देखिए, घंटी और घंटा दोनों बजाते रहिए, देखिए घंटी और घंटा दोनों बजाते रहिए अगर आप जनता हैं तो। मंदिर में घंटी या चर्च गुरुद्वारे में घंटा बजाइए या ना बजाइए, लेकिन नेताओं के दिमाग की घंटी और घंटा रोज बजाते रहिए। कभी बजाएंगे, मिलते ही कहाँ है। नहीं, मैं उदाहरण देता हूँ, मतलब मैं इटावा से हूँ तो वहां का जिक्र जरूर कर रहा हूँ मैं। 2014 में बीजेपी के सांसद बने अशोक दौरे, समाजवादी पार्टी के गढ़ में बीजेपी के कैंडिडेट जीतना अपने आप में बड़ी बात थी, लेकिन मोदी लहर में जीते। और उसके बाद 5 साल दिल्ली में नजर आए, बीजेपी का सर्वे हुआ, काम जीरो पाया गया, टिकट काट दिया गया, टिकट कटते ही कांग्रेस में चले गए, उसके पहले वो बीएसपी में थे। तो इनका तो दिल्ली में घर है, वहां से जीते यहाँ के रहने लगे, हो गया। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इसे अगर जनता लगातार यही काम करते रहे ना हर पार्टी के साथ, तो होगा क्या, सारी पार्टियां अलर्ट हो जाएंगी, उसमें सुधार होगा। देखिए, इस देश को कौन सुधार सकता है मैं आपको बता रहा हूं। आप नेता के भरोसे हो, पार्टी के भरोसे हो, तो 70 साल तक रह लिए हो, मुद्दे वही है, प्रॉब्लम वही है। आप 70 साल और रह लो, मैं जनता से अपील कर रहा हूं, कुछ नहीं होने वाला है। इस देश को कोई सुधार सकता है तो जनता ही सुधार सकती है, चाहे नेता हो, चाहे सरकार के सिस्टम में बैठा हुआ क्लर्क हो, अधिकारी हो। अगर जनता ठान ले, जनता जागरूक हो जाए ना, तो इनको 2 मिनट में नकेल पहनाया जा सकता है। और बिना नकेल पहनाए तो बैल भी साहब खेत में नहीं जोतता है, हल नहीं जोतता है। बैल को अगर काम करवाना है, हल उसके कंधे पे लादना है, यानी भार जिम्मेदारियों का देना है, तो पहले बैल को नकेल पहनाया जाता है। तो जनता पहले इन लोगों को नकेल पहनाए, तब ये जाके प्रोडक्टिव बनेंगे और काम करेंगे, नहीं तो वो बैल छुट्टा सांड हो जाता है।